लगता है सबके लिए मतलब वो मुंह पे ताला लगा देगी ये मूवी। हॉलीवुड लेवल का किया है, इट हैज इनिशिएटेड अ स्टेप इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री। असाइनमेंट में पिक्चर बना दिया मुझे लगता है। दिमाग कम का कैमरा। फॉरेन की मूवीज मार्वल देखते हो तो ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं देखना चाहिए? इस फिल्म का हीरो जो है VFX है और स्टोरी है, और अयान मुखर्जी का जो 10 सालों ने इन्वेस्ट किया वो दिखता है मूवी में। मूवी बहुत अच्छी है। या वेल ब्रह्मास्त्र कैसी लगती है? बहुत अच्छी थी। वेल कैसा लगा रणवीर एंड आलिया? रणवीर आलिया बॉन्ड लाइक केमिस्ट्री लाइक बहुत अच्छी लग रही थी, एंड फर्स्ट टाइम आए दोनों तो अच्छा था। जिस तरीके से ट्रेलर देखा था उस तरीके से लाइक वैसी मूवी। हां हां, मैं वहाँ पे भी बोला नो वन कैन बॉयकॉट दिस मूवी। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक बहुत अच्छा था, स्पेशली देवा देवा सॉन्ग बहुत 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 अच्छा था। 4.5। यस, कैसी लगी आपको? एपिक, शुरू से आखिर तक। मुझे ये मूवी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, बहुत प्यारी लगी मुझे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिले। एंड ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना बहुत टाइम से हम देख रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, तो मुझे लगता है सबके लिए मतलब वो मुंह पे ताला लगा देगी ये मूवी। सो आई वाज रियली लाइक इट। जिस तरीके से प्रोमो आ रहा था और बिल्कुल, अरे द सॉन्ग्स वर वेरी वेरी गुड, सारे सॉन्ग्स अच्छे थे। BGM वाज गुड। विजुअल्स की अगर मैं बात करूँ वो आई कैन नॉट लाइक रेटिंग अगर मैं दूँ ना तो सारे मैं विजुअल्स के लिए दूंगी। इतने प्यारे भी और इतने डिटेल थे कि जस्ट लव्ड इट। रणवीर और आलिया द केमिस्ट्री, उनको पहली बार देखा है ऑन स्क्रीन, दे टू लुक सो क्यूट, बहुत क्यूट लगे मुझे दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि ये मूवी आप आइए अपने पूरे फैमिली के साथ और देखिए, एंड यू विल एंजॉय दिस मूवी। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। विजुअली बहुत उन्होंने अच्छा VFX क्रिएट किया है, बहुत हॉलीवुड लेवल का किया है। इट हैज इनिशिएटेड अ स्टेप इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री आई थिंक इंटरनेशनली। प्रोमो एंड ट्रेलर आ रहा था, सभी लोगों को बहुत एक्साइटेड लग रहा है। लेकिन आपने मूवी देखी तो आपसे जानना चाहेंगे, मस्ट वॉच, डेफिनेटली मस्ट वॉच। साथ ही अगर रणवीर और आलिया की बात की जाए तो कैसा लगा? उनका पेयरिंग भी बहुत क्यूट लगा स्क्रीन पे, आई थिंक दे लुक वेरी गुड टुगेदर। द फर्स्ट पेयरिंग आफ्टर मैरिज वाज टू गुड, इट वाज वर्थ द वॉच। एंड व्हाट अबाउट द म्यूजिक? म्यूजिक वाज आल्सो अमेजिंग। या व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट इन दिस मूवी? द VFX आई थिंक, द विजुअल्स दैट दे हैव यूज्ड, अमेजिंग। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 5। बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो नहीं पसंद आई, हम बहुत वेट कर रहे थे, मैं खासकर बहुत वेट कर रहा था, लेकिन फिल्म नहीं पसंद आ पाई। रणवीर एंड आलिया जिस तरीके से प्रोमो आया था तो सभी एक्साइटेड लग रहे थे। अरे मैं भी बहुत एक्साइटेड था, सब वही था, एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट में ही आ गए। लेकिन एक्साइटमेंट में पिक्चर बना दिया मुझे लगता है, दिमाग कम। उनका केमिस्ट्री तो है, वो तो रहेगा, वो है स्क्रीन पे अच्छा है, लेकिन वही है उसमें लोग हाँ लोग इन्जॉय करेंगे थोड़ा वो, लेकिन सिर्फ कहानी वगैरह बहुत वीक रहा। म्यूजिक की अगर बात की जाए और डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो म्यूजिक ठीक है, फिल्म को सपोर्ट करता है, जो भी जैसी भी वीक कहानी है। गाना वाना एक तो अच्छा है, टाइटल सॉन्ग केसरिया तो हिट है ही ऑब्वियसली। और डायरेक्शन की तो बात नहीं करें तो ही अच्छा है, एक्शन का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है। मूवी वॉज गुड, स्टोरी ठीक थी, बट VFX एडिटिंग पिक्चराइजेशन जो सीन्स लिए वो बहुत परफेक्ट थे, और एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो अच्छा था। तो आगे भी ऐसी मूवीज बननी चाहिए मेरे को। ऑब्वियसली दे शुड प्रेफर, बिकॉज हमारे देश में ये VFX एंड ऑल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके लिए एक तरह से प्रमोट हो रहा है और होना चाहिए मेरे हिसाब से। फॉरेन की मूवीज मार्वल देखते तो ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं देखना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और जब ट्रेलर देख के जो वाव फैक्टर था, मतलब पूरे मूवी आई वाज लाइक ग्लूड टू द स्क्रीन, इट वाज सो ब्यूटीफुल। द स्टोरी, VFX और जस्टिफाइड VFX है। यू नो, आप देखते हैं कि कितने सारे फिल्मों में बस लगा देते हैं VFX, ज़रूरत नहीं होता, पर ये बहुत ही वेल डायरेक्टेड, वेल मतलब आर्टिकुलेटेड VFX के साथ किया गया। इस फिल्म का हीरो जो है VFX है और स्टोरी है, स्टोरी इज द हीरो, और इसको अच्छे से पिरोया है रणबीर आलिया ने। एंड आई वुड से कि देर ग्रेट एक्टर्स। देखो, अच्छी स्टोरी मिलेगी ना, एक अच्छा एक्टर उसको फिर और ऊपर लेके जा सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मूवी का विजुअल इफेक्ट्स, VFX जो है इतने बढ़िया हैं, और अयान मुखर्जी का जो 10 सालों ने इन्वेस्ट किया वो दिखता है मूवी में।
तो आप बहुत इंजॉय करेंगे, और फर्स्ट हाफ में बिल्टअप होता है तो थोड़ी आपको स्लो लगेगी, स्लो पेस्ट लगेगी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते इट गोज़ टू अनदर लेवल और आपको लगेगा कि ओ माई गॉड ये क्या देख लिया मैंने। इससे पहले मैंने रजनीकांत की 2.0 देखी थी, उसके ग्लिम्पसेस आ गए थोड़े से आंखों के सामने, बट द मूवी इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड रणबीर इज़ इम्पेकेबल। उनको देख के इतना मज़ा आएगा आपको, और उनकी केमिस्ट्री बहुत ही हॉट एंड सिजलिंग है विद आलिया भट्ट, और उसके साथ साथ अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने तो हमें इस एज में भी एट द एज ऑफ 80 हमारा दिल चुरा लेते हैं हर बार। और उसके साथ साथ जितने भी दूसरे किरदार हैं, नागार्जुन का भी बहुत अच्छा रोल है, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन को हमने खुद आगवा में देखा था 30 साल पहले। तो मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसका म्यूज़िक, इसका नरेशन जो है बहुत अच्छे से नरेट किया है अमिताभ बच्चन जी ने, और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, द वे ही इट हैज़ बीन शॉट, इवन द सॉन्ग्स आर शॉट इन सच अ स्पेक्टेकुलर वे, तो यू वॉन्ट बी डिसग्रंटल्ड, यू विल इन्जॉय द मूवी।